नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार के पतंजलि में दो दिवसीय युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य मिथिलेश्वरानंद भी मौजूद रहे। बता दें कि इस युवा धर्म संसद में लगभग 24 राज्यों से शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, मनीषी और संत साथ ही सामाजिक चिंतकों ने भी हिस्सा लिया है। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सभी युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्य परायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है, अनेक प्रकार के शोध यहाँ हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में विकसित करेंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता की प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं और शिक्षण और शोध का कार्य किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवभूमि उत्तराखंड के युवा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 आने के बाद राज्य में स्टार्टअप कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें पूरा हर प्रकार का वातावरण उनको मुहैया करा रहे हैं। हमने राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए
अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर भी स्थापित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण हो, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड ने स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेरा मानना है कि देश के युवाओं में पर्याप्त सामर्थ्य और ऊर्जा है। उनका सही मार्गदर्शन ही हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। आप सभी युवा न केवल समाज की सेवा में समर्पित हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए भी आप संकल्पबद्ध हैं। मैं विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए आप सभी प्रतिभान युवाओं के आज के इस अवसर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, आप जो भी फील्ड चुने, जहां भी आप कार्य करें, आप सदैव आपके मन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है। आपके प्रत्येक कार्य से आपकी निर्जीव प्रगति होने के साथ साथ ही देश के विकास में भी आपका योगदान अवश्य हो। आप देश के लिए भी कुछ करें। आप लोग अब अधिकांश हमारे युवा नौजवानों की ये ऐसी आयु है कि जिस पड़ाव में है वो आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब लोग इस समय में जो भी ठान लेंगे, जो भी आप संकल्प कर लेंगे, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। बैठक के दौरान केंद्र में कई उच्च अधिकारियों मौजूद भी रहे, जबकि कई जिलों के डीएम एसडीएम वर्चुअली माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों से उनके जिलों का फीडबैक भी लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने युवा धर्म संसद का भी जिक्र किया। साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर भी जवाब दिया। देखिए, अभी कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने पर ऐसी सूचना मिली है और उन सभी स्थानों पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जहां ज़रूरत है वहां पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और उसके आसपास कुछ जलभराव हो रहा है। किरोड़ा नाले का एक बांध था उसके कारण से, और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहां पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहां जहां मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहां पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएँ, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें और सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे अभी अलर्ट है और इस अलर्ट में सभी को सावधानी रखनी है। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर प्रशासन के लोगों को सहयोग करना है और हर दृष्टि से आपदा का जो प्रभाव है कम करना है। आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता करनी है और जहाँ पर रास्ते बंद हो गए उन रास्तों को खोलने के लिए, जैसे कि नेशनल हाईवे भी कुछ स्थानों पर बंद हो गए हैं, भूस्खलन आ गया है, कहीं पर पत्थर आ गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है और अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। धारा 370 समाप्त होने के बाद देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, इस अवधारणा को लेकर जम्मू के लोग लंबे समय से वहाँ पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से एक संकल्प था देश का और वो संकल्प पूरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा अवसर आया है कि जब पूरे देश की तरह जो है जम्मू के अंदर भी चुनाव हुए हैं, उसको लेकर लोगों में उत्साह है और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी 58% वहाँ पर मतदान इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की वहाँ गहरी रुचि है, गहरी आस्था है और इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से जम्मू के लोग विकास को चुनेंगे, क्योंकि धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई हैं। लोगों का, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का जो
एक लोगों में भय होता था वो भय समाप्त हुआ है, और मिनिमम टेररिज्म वहाँ पर मिनिमम टेररिज्म और मैक्सिमम टूरिज्म वहाँ पर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से जो है, जो पंडित श्यामा प्रसाद जी का सपना था, संकल्प था, उसको पूरा कर रही है। जबकि दूसरी पार्टियाँ वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस है, वो हमेशा उन तत्वों के साथ है जो वहाँ पर धारा 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं, जो कि वो कर नहीं सकते। इसी प्रकार पाकिस्तान से जो है व्यापार बढ़ाने की, वार्ता करने की बात करते हैं, बिना शांति हुए, बिना पाकिस्तान से जो विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देता है, जब तक उसको रोकेगा नहीं तब तक जो है इस प्रकार की वार्ताओं का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत का नाम वो कहते हैं हम सुलेमान पर्वत रख देंगे। इस प्रकार के अनेक काम हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता इस बार, मैं समझता हूँ, शांति चुनेगी और विकास चुनेगी। पूरे देश की तरुणाई यहाँ एकत्र हुई है और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर युवा धर्म संसद, जो शिकागो में विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था, उसी से प्रेरित होकर युवा संसद देश के अनेक प्रकल्पों में अपना योगदान देगी। और युवा जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाके देश की तरक्की में, देश के सामने होने वाली आने वाली चुनौतियों का, और साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें युवा नौजवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस युवा संसद, युवा धर्म संसद ऐसे समय में हो रही है जब देश को आज नौजवानों की आवश्यकता है, और किसी भी देश की रीढ़ युवा नौजवान होते हैं। क्या कोई भी देश राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कितना आगे बढ़ेगा, कितना समृद्ध होगा, वो हमारे नौजवान युवाओं पर निर्भर करता है। और भारत को युवा देश कहा जाता है, इसलिए ये अमृत काल में युवा नौजवान इस धर्म संसद से प्रेरित होकर यहाँ से ऊर्जा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देश को बढ़ाने में देंगे। हम लोग सभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए ज़रूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून, सभी पर विचार करें। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की केदार कृष्णा रक्षा यात्रा आज केदारनाथ पहुँची, सफल होगी, लेकिन बड़े नेता उसमें नजर नहीं आए, आप इसको कैसे देखिए? जिस यात्रा का कोई औचित्य न हो, बार बार बाबा केदार जब जब भी जो है वहाँ पर यात्रा प्रस्तावित हुई है तब तक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्राएं न निकालें। केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि BJP ने केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपने सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं BJP प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, साथ ही हमें जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, BJP का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे, किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे, तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का आज केदारनाथ धाम में स्थित भैरव मंदिर में समापन हो गया है। बता दें कि यात्रा का दूसरा चरण 12 सितंबर को शुरू हुआ था, जबकि यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के हर की पौड़ी से 24 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में हुई थी। इस यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। नैनीताल में बीते 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 13 पदों के लिए मतदान जारी है।
मतदान के लिए हाईकोर्ट बार सभागार में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र अधिकारी ने बताया है कि सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके बाद आज ही देर रात तक चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव हमारा निर्धारित 9 बजे से टाइम हमने फिक्स किया था, 9 बजे से स्टार्ट हो गया है। मौसम खराब है इसलिए थोड़ा मतदाता भी कम आए हैं, उम्मीद है, मगर शाम 4 बजे तक की वोटिंग है, उम्मीद है सफल होगा चुनाव हमारा, अच्छी वोटिंग होगी और हम आज ही मतगणना करके प्रयास करेंगे कि आज ही हम उसको। देहरादून में नगर निगम कर्मचारी के गोल्डन कार्ड बनाने शुरू किए जा चुके हैं, जिसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि इससे कर्मचारी समेत लगभग 800 परिवारों को काफी फायदा होगा। बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून ऐसा पहला शहर है जहां पर नगर निगम कर्मचारी के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। वही गोल्डन कार्ड बनाने से नगर निगम कर्मचारियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे करीब 800 लोग हैं जो हमारे कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं जिनके गोल्डन कार्ड बनने थे। इसके लिए हमारे SFO साहब के द्वारा और हमारे यूनियन से सुतेंद्र जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। इसके उपरांत हमको गोल्डन कार्ड बनाने की अनुमति मिली और आज से ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हमारे 800 लोगों को, 800 परिवारों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लिहाजा यहां बारिश के दौरान पहाड़ में भूस्खलन होता रहता है, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। लिहाजा सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी दे दिए हैं। हिमालय राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शुक्रवार के लिए प्रदेश भर में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की गई है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, लेकिन चेतावनी की बात करें तो जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर पूरा कुमाऊं रीजन जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, ऐसी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। कालसी चक्राता मोटरमार्ग के डेंजर जोन झजरेट में पहाड़ी दरकने और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है। उपजिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, CSC साहिया व मंडी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तहसीलदार कालसी चमन सिंह ने बताया कि आपदा से संबंधित सभी विभाग हाई अलर्ट मोड पर हैं। कालसी चक्राता मोटरमार्ग पर लोक निर्माण विभाग साहिया की ओर से 2 JCB मशीन तैनात की गई है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड में हमारे अन्य जगह भी 15 जून के बाद आपदा का सत्र गतिमान हो जाता है जो सितंबर लास्ट तक चलता है। उसी के दृष्टिगत अभी उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की गई थी कि 12 और 13 तारीख को बारिश का हाई अलर्ट है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है इसमें सावधानियां बरती जा रही हैं। हमारा जो तहसील कंट्रोल रूम है वो सुचारू है। हमारे जो कर्मचारी पटवारी हैं या नायब तहसीलदार हैं उनको मौके पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वो हर समय फील्ड में अपने तैनात हैं तथा मोबाइल के माध्यम से हमसे लगातार जुड़े हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक रोडों की बात है, क्योंकि पहाड़ों में वर्षा के कारण रोड भी बंद हो जाते हैं, लाइन डिपार्टमेंट को इसमें सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर JCB डिप्लॉय की गई हैं, उनके कर्मचारी तैनात हैं। जैसे ही कोई भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है उसके द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए रोडों को सुचारू करने की कार्रवाई की जाती है।
इधर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से थराली में पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामलीला मैदान से लेकर आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच चुका है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे के आवासीय मकानों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित रहने की प्रशासन ने अपील की है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। डर इस बात का है कि अगर यूं ही बारिश होती रही तो फिर पिंडर नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइड्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं, मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मलारी में 40 यात्री फंस गए थे, जिन्हें SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। देहरादून समेत कई जिलों में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, लिहाजा नदी नाले उफान पर हैं। नालियों की ठीक से साफ सफाई नहीं की गई, लिहाजा नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हरिद्वार के लक्सर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। 20 सड़क गाड़ियां बंद हो गई, लोग ट्रैक्टर के जरिए सड़क पार करते दिखे। सड़क किनारे दुकानों में भी पानी घुस गया, लिहाजा तैयारियों पर कई सवाल उठे हैं। लक्सर के निचले इलाकों में इतना पानी भर गया है कि SDRF की टीमें बुलानी पड़ी। भारी मलबा पत्थर आने से गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला लालढांग के पास मलबा व पत्थर आने के कारण बाधित है। BRO को मार्ग बंद होने की सूचना दी गई। राज्य में बारिश और भूस्खलन से 168 मार्ग बंद हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, बॉर्डर रोड से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित चमोली जिला है। यहाँ पर 29 ग्रामीण मोटर मार्ग, 1 राजमार्ग और 1 मुख्य जिला मार्ग बंद है। चंपावत में 22, नैनीताल में 20, पिथौरागढ़ में 19, टिहरी में 17, रुद्रप्रयाग में 15, पौड़ी गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में 9, देहरादून में 8, उत्तरकाशी और बागेश्वर में 6-6 और उधम सिंह नगर में 2 मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं और अभी थराली कर्णप्रयाग में विद्युत के बाधित होने की सूचना हमें मिली है, जिसमें विद्युत विभाग बिजली लाइन को सुचारू करने का काम कर रहा है। सभी तहसीलों को, ब्लॉक्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में रहें और पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी यात्रा को स्थगित रखें, जब तक बारिश रुक जाती है उसके बाद मार्ग खुलने पर ही यात्रा को सुचारू करें। चमोली जिले में भी लगातार दूसरे दिन ऑरेंज अलर्ट के चलते झमाझम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। लगातार बारिश के चलते जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दूसरे दिन की छुट्टी रही। जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों समेत नीतीमाणा बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में भी सितंबर महीने में सीजन के पहले हिमपात होने से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में बारिश के चलते ऋषिगंगा और अलकनंदा नदी भी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में जबरदस्त हिमपात होने से बद्रीपुरी में ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है, तो विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी और श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर भी इस सीजन की पहली बर्फबारी साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।